ਖਣੀਆਂ ਜਮਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆਈਆਂ ਹੈਟ ਖਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਖਣੀ ਆਈਆਂ ਨਾ ਜਮਾਲੀ ਹੈਟ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਖਣੀਆਂ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कैम इसलिए आया था कि जहाँ बसने वालों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का पूरा पूरा हक हासिल हो। जमहूरिया पाकिस्तान में हर अदारे को आइन पाकिस्तान के तहत काम करना हो, मगर जमहूरिया पाकिस्तान में कानून और आइन सिर्फ आम आदमी तक ही महदूद रहा। बासर अफराद और बासर अदारों पर कानून के तहत काम करना लाजमी करार नहीं दिया गया। पूरो निगाम दा जे के ना पाड़े या गैर कौम पाड़े या मुजा माइकल ना अलावा ओए बयान दीदा दे लगे हसा पीस द जो को पेश करा पूछो इन गए ये गिरफ्तार हो लेके लालो हमीद रुखा खाने आ चकमा जो मुझे घर ना रखिया हां ये सुतो पे मोटा सा बताई नो सट लगो अही ने की जे हाथ करे जे का मुकाबला करे साजो पूरो मुकाबला करे जब तक मुकाबला वाले कायो पड़े जब तक के इंसाफ कयो ने मोसा आर्मी चीफ के जगह मोसा इंसाफ कयो ने सिंजोरो नवाबशाह बाईपास पे आगे गए तो आगे सुनसान इलाका है ना, तो वहाँ एक मोटरसाइकिल सामने आ रही थी तो उन्होंने रूटीन में उतर के मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की। जैसे मोटरसाइकिल स्लो हुई है तो जो है वो एक बंदे ने स्ट्रेट फायर किए हैं पिस्टल के पुलिस पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और इन्होंने भी फायर किया। फायर के बाद वो गिर गए, तो दो बंदे थे, एक बंदा भाग गया है। अगर ऐसा ही है तो फिर पुलिस को भी जमहूरिया पाकिस्तान के तहत जराइम करने वाले शख्स को अपनी मर्जी के मुताबिक कानून हाथ में लेकर कत्ल करने का अख्तियार नहीं होना चाहिए। बाबा पूरो पाड़ो शायद है ना पान फोन करे लाले हामिद घुराए आई चार मोटरसाइकिल आ एकड़ी मोबाइल उन्हें मजे छोकरो दिनो तो बाबा इन्हें के जेल कष्ट करा ची हाँ पो जो को आ बनी गुम करे ट्रेन है इनके हा फिराई करे छो ऐसो ये वाक्य ता सबनी जगह बुधो होंदो ये तो असान जे अखि जे सामू थियो आ छोकरो उन जे वाल साहब पुलिस के पान हथ सा पेश कयो दिनई असान जे सामू मुजो पाड़े में घर आ सुबह सा खीर वठना निकत त मोबाइल में पे मु डठो न के रियाज हो अंदर मु चंग तरह सुजा तो छो असान जे पाड़े छोकरो आ यो खणी इन न वनी टोपी ड्रामो करे या फ्राई करे या ये फुल फ्राई करे यो सजो ड्रामो आ लालो हमीद में मुलविसा एस जो सांगड़ मुलविसा ए चौधरी अदनान जको आ फैसल वो मुलविसा अपील कई थी वे इसे नाइंसाफी थी वही है पैं पी पे पुट के थोड़ी घनी गाल पुलिस के हवा कर पुलिस बड़ी रखे उन रेट कर पैर के मथा गोली हणी मुकाबलो जारे छो अस अपील था क्यों मेहरबानी कर अदालो वे। मगर सिंध और खासकर सांगड़ पुलिस इतनी बाख्तर है कि वो जिस शख्स को चाहे कत्ल करके डाकू करार देकर इनामात वसूल करे तरक्की हासिल करे। सांगड़ में गुज़िश्ता चंद माह में सांगड़ पुलिस ने एक दर्जन से ज़ायद अफराद को कत्ल किया या फिर इनको माजूर कर दिया। अदालत को पुलिस के इस इकदाम से इनको रोकना पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों में पुलिस पर आवाम का जो थोड़ा बहुत इतमाद है वो भी ख़त्म हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलहरी।